हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं अंडा चाउमीन। तो देख सकते हैं हम लोग चार गो अंडा लिए हैं, और देखिए इधर हरी मिर्च है, छह सात हरी मिर्च, और देखिए इधर लहसुन है, इसको हम लोग डालने वाले हैं, और शिमला मिर्च दो, और दो प्याज लिए हैं। इस सबको अच्छी तरह से छील के साफ कर लेते हैं। और देख सकते हैं इधर हम लोग चाउमीन के लिए नूडल लिए हैं, और हम इस मसाला को डालने वाले हैं। देखिए तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर देखिए गैस हमने जला लिया है, और हम इसमें अब पानी डालेंगे नूडल को उबालने के लिए। तो देख सकते हैं हमारा पानी गर्म हो चुका है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि नूडल चिपके ना। हम सरसों तेल डाल रहे हैं इसमें दोस्तों। तो हम नूडल को डाल देंगे। अब इसको हम उबलने के लिए दे देंगे। तो देख सकते हैं हमारा नूडल उबल चुका है। अब इसको ठंडे पानी में डालेंगे ताकि ये चिपके ना। तो देखिए हम लोग इधर ठंडा पानी ले लिए हैं, अब इसको धो लेंगे इसमें डाल के। इसको ठंडा पानी में डालने के बाद कुछ देर बाद इसको हम लोग फिर से छान लेंगे। तो चलिए इसको छान लेते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग चलनी में इसको छान लिए हैं। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा तेल मिला के इसको अच्छी तरह रख देंगे पंखा में। पंखा में इसको हल्का सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो देख सकते हैं हम लोग सभी को छील लिए, अच्छी तरह से साफ कर लिए हैं और चॉप कर लिए हैं। देखिए और इधर सॉस भी हम लोग तैयार कर लिए हैं, इधर लहसुन भी काट लिए हैं। अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इधर हम लोग कढ़ाई चढ़ा लिए हैं। तो कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें तेल डालेंगे, सरसों तेल। तो देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अंडा डालेंगे। पहले अंडा को हम फ्राई कर लेंगे। हमें ऐसे चलाते हुए पकाना है। देखिए कितनी अच्छी तरह से एक जगह जमा हो चुका है। अब हम इसको इसे ऐसे करके अलग करेंगे।
तो देख सकते हैं हमारा अंडा फ्राई हो चुका है। अब इसको हम खाली कर लेते हैं। तो हमने अंडा को खाली कर दिया है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। तो हमारा तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम लोग लहसुन डालेंगे सबसे पहले। उसके तुरंत बाद हम लोग शिमला मिर्च डालेंगे। इसको अच्छी तरह से हम लोग भून लेंगे। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे शिमला मिर्च को हल्का गलाने के लिए। तो हमारा शिमला मिर्च आधा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। इसको भी अच्छी तरह से भूनेंगे, हल्का भूनेंगे, इसको ज्यादा नहीं भूनेंगे। तो हमारा प्याज जो हल्का फ्राई हो गया है, देख सकते हैं। अब हम इसमें मिर्चा डालेंगे, हरी मिर्च। इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। और थोड़ा सा काली मिर्च गोल की। सभी को अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब हम इसमें चाउमीन मसाला डालेंगे। इसको भी अच्छी तरह धीमी आंच पर पकाएंगे। तो सभी मसाला को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें सॉस डालेंगे। पहले हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। टोमेटो सॉस, चिल्ली सॉस डाल रहे हैं। तो सॉस को हम अच्छी तरह थोड़ा पका लेंगे। आप घर पर इसी तरह बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो हमारा सॉस पक गया है। अब हम इसमें नूडल्स डालेंगे।
इसमें नूडल डालेंगे। अंडा और नूडल दोनों को हम डाल देंगे। तो नूडल को हम लोग अच्छी तरह से मिला लेंगे, इस तरह से मिलाएंगे। तो इसमें हम नमक डालना भूल गए थे, तो अभी नमक इसमें डाल दे रहे हैं। तो हमारा चाउमीन बनके रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आप भी इस तरह बना के देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा।